हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। यदि आप सभी स्टॉक की डिटेल एनालिसिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम हेमंग रिसोर्सेज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 116 रुपये और आज के दिन 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 21% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, पिछले 1 महीनों में 85% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 180% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 साल में 1975% के पॉजिटिव रिटर्न, यानी मात्र 1 साल में पैसा 20 गुना किया है। पिछले 5 सालों में 1066% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 37500% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। यानी आप यहाँ देख सकते हो 2021 में इस स्टॉक की कीमत मात्र 3 रुपये थी, अभी 2023 में इस स्टॉक की कीमत 116 रुपये देखने को मिल रही है। यानी काफ़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है कॉल लॉजिस्टिक सर्विस एंड ट्रेडिंग इन लैंड में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 154 करोड़ का है। स्टॉक का लो 5 रुपये 36 पैसा और स्टॉक का 117 रुपये, जो कि आज ही एक नया हाई बनते हुए देखने को मिला है। यहाँ बात करें ROC 130% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 208%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रमोटर होल्डिंग 63% है। यहाँ पे डेब्ट की बात करें तो 3 करोड़ का यहाँ पे डेब्ट है। और यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की बात करें तो आप यहां देख सकते हो काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस काफ़ी लॉस देखने को मिला था। धीरे धीरे अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है 3 करोड़ देखने को मिला है। ये जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी लॉस हमें देखने को मिला, अभी कंपनी को धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट हो रहा है। यानी 20 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर अभी 28 करोड़ यहाँ देखने को मिला है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी नेगेटिव हमें देखने को मिले थे, अभी कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पे पॉजिटिव है 6 करोड़ से 14 करोड़, ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी पे काफ़ी डेब्ट था जो कि अब ऑलमोस्ट कम हो चुका है। अब यहाँ पे कंपनी का जो डेब्ट है ऑलमोस्ट 3 करोड़ ही देखने को मिला है। इसी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 63% के स्टेक्स हैं और बाकी पब्लिक होल्डिंग 36% है। यानी ऑल ओवर कंपनी के फंडामेंटल्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिले हैं। BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो आप यहां देख सकते हो कि कंपनी ने कोई डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट किया है। 2014 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया था और यहां पे 2011 में 1 शेयर के बदले 3 शेयर यहाँ पर बोनस दिए थे। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें और कोई अदर इन्फॉर्मेशन कंपनी की नहीं दे रखी है, तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कंपनी में कंटिन्यूस अपर सर्किट देखने को मिला है, तो ऐसी कंपनीज में आप कर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बुरी तरह फंस भी सकते हो। जैसा कि अगर हम 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखें तो आप यहाँ देख सकते हो 2022 से लेकर 2023 तक ऑलमोस्ट ये काफ़ी डाउन हमें देखने को मिला था। अगर हम 5 साल रिटर्न्स देखें तो 5 साल में भी काफ़ी गिरावट होने के बाद अभी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो जब अपर सर्किट देखने को मिलता है तो लोअर सर्किट भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटीज होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का डिसीजन ज़रूर लें। थैंक यू।